ये कंपनियों में प्राय होता है जब नई कंपनी स्टार्ट करते हैं या फिर कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है तब हो सकता है। स्टार्टिंग में उसके रजिस्ट्रेशन के खर्चे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, मार्केट का सर्वे, इस टाइप के खर्चे, कंपनी है तो शेयर डिबेंचर वगैरह इश्यू करने के खर्चे, ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। तो ये खर्चे जो होते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट में, जैसे 1 लाख खर्चा किया तो हर साल 20-20 हजार रुपए वो इनकम से माइनस हो जाएगा। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद है एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। यदि कोई एम्प्लॉय हमारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है और हम उसको उस स्कीम के तहत कुछ अमाउंट पे करते हैं तो वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा खर्चा। हम अपने एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट के समय कुछ कंपनसेशन वगैरह कुछ पे करते हैं अमाउंट, तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में वो खर्चा अलाउड होगा। सर एक चीज पूछना था सर, हाँ जी बोलिए। जो आपने बोला वॉलेंटियर रिटायरमेंट है, तो हाँ जी ये डिपेंड करेगा कि वो कितने साल पहले रिटायरमेंट लेता है? तो कहीं कहीं मैं पढ़ा था कि उसका जो है जो बचा हुआ है जो सैलरी निरंजन जी, आपकी आवाज इसमें, या कट ऐसा रही है। कुछ है क्या? नहीं, मैं ये इसमें बोल रहा हूँ कि ऐसा सर जो बंदा इसमें ऐसा कुछ नहीं वॉलंटियर, है। वो तो एक रिटायरमेंट के समय जो कंपनसेशन मिलता है वो एम्प्लॉय के लिए अलग एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये हाँ बिजनेसमैन के लिए कि एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को कुछ भी कंपनसेशन पे करेगा तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होंगे। गवर्नमेंट नहीं, कोई ये स्कीम निकालती है, उस स्कीम के तहत यदि हो तो। नहीं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ सर, जैसे टाटा प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, तो उसमें भी बंदे काम करते हैं। अब उसने क्या, जैसे मान लीजिए 60 इयर्स 60 इयर्स का फाउंडेशन रहता है, तो 5 इयर्स पहले रिटायरमेंट ले लिया उसने, वॉलंटियर रिटायरमेंट, तो उसका जगह 5 मतलब पर ईयर्स का उसने इतना पैसा पे करेगा, या फिर क्या कैसे होगा फिर वो? भाई जितना वो पे करेगा रिटायरमेंट के समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा खर्चा। एक हाँ साथ उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक ही बार में नहीं मिलेगा। ठीक नेक्स्ट, है सर, अदर और डिडक्शन। सर हेलो हाँ बोलिए चौधरी जी। ए जी सर, हाँ वो बोलिए। जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं पूछना है सर, 5 इंस्टॉलमेंट वाले में एक बार सर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। कौन सा जी, वाला? ये वो जो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है यानी 5 साल तक वो चलेगा। जैसे 1 लाख रुपए पेमेंट किए तो 20-20 हजार रुपए हर साल करेंगे, तो 5 साल में उसका पूरा जी खर्चे सर, का उसको। हर समय नेक्स्ट 5 साल तक हम लोग ले सकते हैं ना। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद है अदर डिडक्शन। और बिजनेस में क्या क्या खर्चे अलाउड होते हैं बिजनेसमैन जो अपनी इनकम से माइनस कर सकता है? इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द एम्प्लॉयज, बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस के लिए लोन लिया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कोई एनिमल्स वगैरह बिजनेस में है। हाँ बोलिए। जो एम्प्लॉयी आपकी आवाज कट रही है मेयर रंजन जी, आपकी आवाज, आप या तो थोड़ा सा एक नेटवर्क की जगह पे देखो आओ, आपकी आवाज कट रही है। हाँ जो 13 बोलिए। नंबर पॉइंट है ना, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मिनरल्स सच एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू टेन इक्वल एनुअल अच्छा, एक इंस्टॉलमेंट्स। पॉइंट छूट गया, मिनरल्स वाला। हाँ, जो लोग मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, उसके खोजबीन के लिए काम करते हैं तो उसके खर्चे भी 10 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होंगे। जैसे 10 लाख रुपए खर्चा किया मान लो,
उसके प्रोस्पेक्टिंग के मिनरल्स के लिए, तो 1-1 लाख हर साल डिडक्शन मिल जाएगी। मान लो 1 लाख खर्चा किया तो हर साल 10-10 हजार डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब इनकम से माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे अपन, लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कोई एनिमल्स वगैरह बिजनेस में और उसका लॉस हो गया, हमको कोई मर गया जानवर वगैरह, तो वो भी लॉस बिजनेस में अलाउड होता है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, कई कंपनी वगैरह में हो सकता ही है, कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे, मतलब जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होता है, वो इसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो, तो फिर खरीदने वाले को फायदा क्या है, क्योंकि उसको कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू करती है कम रेट में। तो 100 रुपए का जैसे 80 रुपए में आपने खरीदा 20 रुपए डिस्काउंट पे, तो वो डिस्काउंट ही बेनिफिट है हमारे लिए, तो वो डिस्काउंट कंपनी के लिए अलाउड खर्चा है। फिर नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब बैड डेट्स मतलब क्या होता है सुनील जी? कंपनी ने किसी को लोन दिया और वो सर वापस नहीं आया। तो बैड डेट्स का बिजनेस में मतलब होता है कि आप किसी को गुड्स उधार बेचते हो। हाँ। वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, डेटर्स देनदार, उनका पैसा डूब जाता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये सब बिजनेस के अलावा जीरो कूपन बॉन्ड का बताइए। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होता है, उसको बोलते हैं जीरो मतलब नील रहता है। हाँ, खरीदने वाले को फायदा वही है कि उसको डिस्काउंट पे बेचा जाता है, तो खरीदने वाले के लिए वो डिस्काउंट ही जो है बेनिफिट है। जैसे मैंने बताया 100 रुपए का 80 रुपए में खरीदा आपने, तो 20 रुपए कंपनी तो फिर आपको मैच्योरिटी की डेट में पूरा 100 ही रुपए देगी, तो 20 रुपए आपके लिए बेनिफिट हुआ, और कंपनी के लिए इश्यू करने वाले के लिए वो डिस्काउंट बिजनेस का खर्चा माना जाएगा और उनके इनकम से माइनस हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये केवल बैंकों के लिए अलाउड होता है। प्रोविजन मतलब कि कोई पैसा फ्यूचर में डूब सकता है, उसके लिए पहले से फंड बना के रखना। तो बैंक वगैरह को फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक वगैरह जो होते हैं, इन लोगों को डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन करना पड़ता है, क्योंकि कई पैसे डूब जाते हैं ना, जैसे मालिया जैसे चले गए पैसा लेके फरार हो गए, तो पैसा डूब जाता है, तो उसके लिए प्रोविजन फंड बना के रखना पड़ता है बैंकों को। तो किसके लिए कितना फंड बनाना अलाउड होता है, तो सबसे पहले लिखा इन द केस ऑफ बैंक्स एक्सक्लूडिंग फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक को छोड़ के 8.5% ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम का 8.5% लोग अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कर सकते हैं। टोटल इनकम कौन सी, डिडक्शन 80C से 80U की डिडक्शन माइनस करने के पहले जो टोटल इनकम आएगा, बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। उसके बाद क्या लिखा है, इन बैंकों के कोई रूरल ब्रांचेज है, गांव की शाखाएं, तो उसके लिए 10% अलाउड है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेज ऑफ दीज बैंक्स, इन बैंकों की कोई रूरल ब्रांचेज है तो उन ब्रांचेस के लिए 10% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर सकते हैं। फॉरेन बैंक के लिए कितना, हाँ बोलिए, मिलता है क्या सर? हाँ जी सर, बैंक को भी डिडक्शन मिलता है क्या 80C 80U ये सब का? हाँ क्यों नहीं मिलेगा भाई, बैंक एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को भी एक डिडक्शन 80C से 80U तक, तो जरूरी नहीं है कि सभी डिडक्शन मिलेगी। अब जैसे बैंक को 80C थोड़ी मिलेगा, तो उनके बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर जो डिडक्शन होती है वो मिलती है, 80IA वगैरह इस टाइप की होती है, 80IB वगैरह इस टाइप। हाँ सर होता है, 80IA होता है ना जी सर।
टोटल डिडक्शन एटीसी से एटीयू तक है, उसमें हर एक के लिए सभी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है, किसी के लिए कौन सा एप्लीकेबल होता है सर। इसके बाद 5% क्या फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंकों के लिए टोटल इनकम का 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड होता है। इसके अलावा जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये सब गवर्नमेंट के ही है, सेमी गवर्नमेंट में आते हैं ये सब, तो इनको भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन 5% तक मिल सकता है टोटल इनकम का। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सबके लिए नहीं है, हाँ बैड डेट्स सबके लिए अलाउड है, बैड डेट्स का डिडक्शन सबके लिए ही, ऊपर पढ़े थे ना अपन अभी बैड डेट्स। अब इसके बाद एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोनाफाइड इनकर्ड बाई कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एमंग इट्स एम्प्लॉय इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ ए कैपिटल नेचर इट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन 5 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये किसके लिए पढ़े अपन अभी, कोई कंपनी वगैरह अपने एम्प्लॉयज के, मतलब उनको फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोट करना उनका, कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, इसके लिए उनको प्रमोट करते हैं, इसके लिए कुछ खर्चा करते हैं, तो वो खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं तब तो पूरा का पूरा अलाउड होता है। रेवेन्यू नेचर मतलब जो हर साल पे करते हैं, और कैपिटल नेचर का है तो वो 5 installment में अलाउड होगा, ठीक है ना। इफ सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ ए कैपिटल नेचर इट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन 5 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट। कैपिटल नेचर मतलब जो खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता है, एक बार की है, जैसे उसके लिए आपने कुछ होर्डिंग्स वगैरह बना के लगा दिया इस टाइप का, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, क्योंकि उसका बेनिफिट कई सालों तक मिल सकता है। तो या फिर कोई ऐसी चीज आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट की जो कैपिटल नेचर की है, कोई एसेट्स वगैरह उनको प्रमोट करने के लिए, तो कैपिटल नेचर की कोई चीज हो तो उसका खर्चा 5 installment में। और रेवेन्यू नेचर मतलब हर साल आप उनको कुछ अमाउंट दे रहे हैं इसके लिए प्रमोट करने के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, तो वो पूरा का पूरा अलाउड होता है। ये था कंपनी के लिए, और बाकी लोगों के लिए कंपनी को छोड़ के बाकी कोई एम्प्लॉयर है, बाकी कोई बिजनेसमैन है अदर देन कंपनी। सर इसमें एक डाउट है, जैसे कंपनी है सर, ठीक है ना, और इसमें अगर मान ले जाए कि जो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग है सर ना, जैसे कोई एम्प्लॉय अगर फैमिली प्लानिंग करवाया तो उसको अगर कुछ पैसे पे करती है तो वो डिडक्टेबल होगा। हाँ, अब वो बार बार नहीं पे करेंगे तो 5 installment में पे होगा, और उसको आप हर साल अमाउंट पे करोगे एक फिक्स, तो वो रेवेन्यू खर्चा हो गया, तो वो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा कंपनी के लिए। और जो कंपनी नहीं है उसके लिए अपन आगे पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर अदर देन कंपनी ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग हिज एम्प्लॉय इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37(1), यानी पूरा का पूरा डिडक्टेबल होगा। ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन, तो कोई कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनको प्रमोट करने के लिए जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। इसके बाद बिजनेस में और जनरल खर्चे क्या क्या अलाउड हो सकते हैं, तो उनके नाम दिए हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। अब एक बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है, बनाता है, बेचता है, तो ये सब खर्चे बिजनेस के अलाउड खर्चे होते हैं, मतलब ये सब खर्चे बिजनेस की इनकम से माइनस हो जाते हैं। अब जैसे आपने 100 रुपए की चीज खरीदी 125 में बेची,
तो 125 पूरा इनकम थोड़ी कहलाएगा, 125 में 100 रुपए उसका परचेज प्राइस माइनस हो गया तो 25 रुपए आपका इनकम कहलाएगा। उसमें भी आपने और कुछ खर्चा कर दिया बेचने में या गुड्स खरीदने में तो वो भी माइनस हो जाते हैं, उसके बाद इनकम आती है। तो ये सब खर्चे माइनस होते हैं बिजनेस को चलाने में, जो भी डेली खर्चे होते हैं वो भी अलाउड होते हैं, लिखा ना डेली जनरल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में जो भी खर्चे होते हैं सब अलाउड। लीगल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द बिजनेस और प्रोफेशन, कोई हमने लीगल खर्चा बिजनेस में किया है या प्रोफेशन से रिलेटेड किया है, कभी कुछ कानूनी खर्चे भी हो सकते हैं ना भाई, कोई कानूनी केस वेस हो गया ऐसा कुछ, किसी से किसी के ऊपर केस किया हो पैसा वसूलने के लिए, तो इस टाइप के कानूनी खर्चे भी अलाउड होते हैं, या कोई एग्रीमेंट वगैरह हो तो उसके कानूनी खर्चे, कुछ भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, अब तो सेल टैक्स की जगह जीएसटी आ जाता है, पहले था, तो बिजनेस में कुछ भी जैसे सेल टैक्स की जगह जीएसटी वगैरह इस टाइप के कुछ भी खर्चे होंगे, या इसको लेट पेमेंट के कारण, इसको लेट पेमेंट के कारण कोई ब्याज के रूप में पेनाल्टी वगैरह भी लगती है, तो वो भी सब अलाउड खर्चा है। क्या बोल रहे थे मिहिर रंजन जी, कुछ बोल रहे थे क्या? इसके बाद कंपनसेशन पेड टू अनडिजायरेबल एम्प्लॉय और डायरेक्टर फॉर द रिट्रेंचमेंट ऑफ हिज सर्विसेज इफ इट इज इन द फेवर ऑफ द बिजनेस। कोई एम्प्लॉय को डायरेक्टर को आपने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि वो बिजनेस के फेवर में काम नहीं कर रहा हो, अनफेवर में काम कर रहा हो, तो उसको हटाना हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद था इसलिए हटा दिए उसको, उसके कारण हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा हो। तो ये खर्चे जो है बिजनेस में अलाउड होते हैं। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यदि कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई कंपनसेशन पे किए, वो भी खर्चा अलाउड। एक मिनट, नेक्स्ट पेंशन एंड ग्रेच्युटी पेड टू एम्प्लॉय, रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब समझते हैं ना, सुनील जी रॉयल्टी मतलब मालूम ना? जी सर। इसके बाद कमीशन एंड कंपनसेशन पेड टू एन एजेंट, यदि हमारा रॉयल्टी बता दीजिए सर एक बार। रॉयल्टी मतलब कोई भी चीज के लिए अपन पे करते हैं ना, जैसे कोई आपने लीज पे ली कोई चीज, कोई माइंस वगैरह लीज पे ली, वहां से आप रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, तो उसके मालिक को उसका जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। आपने आपने किसी से कोई पेटेंट लिया, किसी के पास कोई चीज का बनाने का पेटेंट है, लाइसेंस है, वो आपने उससे ले लिया, उसका राइट आपने खरीद लिया, तो उसके लिए आपको ये अमाउंट उसको पे करोगे तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो कई टाइप की होती है रॉयल्टी, कॉपीराइट के संबंध में भी होती है, पेटेंट राइट और माइंस वगैरह से रिलेटेड कई सारी कई टाइप की रॉयल्टी होती है अलग अलग। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े सिंगर हैं और आप मान लो कोई अपनी रिकॉर्डिंग करके कोई कैसेट बनाया, कोई उसको आपने प्रिंट करके बेचने का राइट किसी दूसरे को दे दिया, तो उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा वो भी रॉयल्टी कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग लोन, यदि हम लोन लेने के लिए कुछ खर्चा करते हैं तो लोन लेने के खर्चे भी अलाउड है।
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज द एसेट, आपने बिजनेस के लिए कोई एसेट्स खरीदा है जैसे कोई मशीन प्लांट फर्नीचर इस टाइप से कुछ भी, गाड़ी मोटर व्हीकल वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए लोन लिए तो उसका भी इंटरेस्ट बिजनेस का ही खर्चा माना जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन न्यू टेलीफोन कनेक्शन एंड डिपॉजिट अमाउंट, कोई नया टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं उसके लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं तो भी अलाउड खर्चा है। फिर नेक्स्ट, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। अगला क्या है, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के लिए भी कोई एम्प्लॉयर अपना कुछ काम करता है उनके कल्याण के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, ताकि लेबर को उससे फायदा हो, कोई भी चीज हो सकती है, मकान बिजली पानी खाना पीना कुछ भी, उनके वेलफेयर के लिए जिससे लेबर का कल्याण हो, यानी कि उससे उसमें कुछ बेनिफिट हो। कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन गिवन टू एन एसोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, किसी एसोसिएशन जो बिजनेस एसोसिएशन होते हैं ना जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई ट्रेड यूनियन, उनको यदि हम कोई सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, कोई चंदा देते हैं जो कंपलसरी रहता है बिजनेस के लिए कि भाई ट्रेड यूनियन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस टाइप के, तो वो अलाउड खर्चे होते हैं बिजनेस के। अब कोई होली वगैरह में गणेश वगैरह में चंदा देगा तो वो सब चंदे अलाउड नहीं होते बिजनेस में। इसके बाद लीगल एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, यदि हम अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो भी अलाउड होगा। फिर क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली ओपनिंग सेरेमनी, जैसे कोई कलर व्हाइट वॉश लाइटिंग गिफ्ट टू एम्प्लॉई, ये सब अलाउड खर्चे हैं। अब लोग देते हैं ना दीपावली वगैरह में गिफ्ट वगैरह एम्प्लॉयज वगैरह को, आप लोगों को तो बोनस मिलता होगा ना दिवाली वगैरह में। जी सर। के बाद है कमीशन मिठाई के बॉक्स के साथ। नहीं सर उतना पैसा मिल जाए काफी ना भाई, मिठाई कमीशन पेड फॉर सिक्योरिंग ऑर्डर फॉर द बिजनेस, कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए ऑर्डर ला रहा है तो हम उसके लिए उसको कमीशन देते हैं तो वो भी बिजनेस का ही खर्चा है। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी प्रोफेशनल टैक्स चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी, अब तो ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह जगह तो जीएसटी वगैरह आ गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कस्टमर या एम्प्लॉयज वगैरह के एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ भी खर्चे करते हैं तो वो भी अलाउड होता है। फिर क्या है नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट खर्चे, बिजनेस में एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा अलाउड होता है, लिखा है ना होल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। रेवेन्यू मतलब जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आप बार बार करते रहते हैं, और यदि आपने एक बार कर दिया और उसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है तो उसमें फिर वो मतलब कुछ पार्ट में अलाउड होता है फिर वो खर्चा, तो वो डिपेंड करता है उस पर कि खर्चा किस टाइप का क्या है, तो अपने को क्वेश्चन में दिया रहता है। अब इसमें क्या लिखा है होल अमाउंट ऑफ, वो तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा सर। हाँ जी डेफर्ड एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जो कुछ पार्ट में अलाउड होता है। होल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस विल बी अलाउड, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में देते हैं तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। और कहीं पंपलेट लगा दिया तो वो हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। पंपलेट वगैरह भी कहाँ लॉन्ग टर्म होता है वो तो, हाँ कोई होर्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। होर्डिंग हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा जो बार बार यूज होता रहे उसका।
अब लिखा है इसमें कुछ नोट्स दिए हुए कि एडवर्टीजमेंट इन पॉम्पलेट एंड सुवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विल बी डिसअलाउड, यानी कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी के सुवेनियर मतलब पत्र पत्रिकाओं में पॉलिटिकल पार्टी की या पॉलिटिकल पार्टी के पॉम्पलेट में यदि कोई एड देता है तो ऐसे एड का खर्चा बिजनेस में डिडक्टिबल नहीं होगा, वो इनकम से माइनस नहीं होगा। उसके बाद स्पेशल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन ओपनिंग अ न्यू शॉप एंड फॉर न्यू प्रोडक्शन इज अलाउड, जैसे नई दुकान डाल रहे हैं या कुछ नया प्रोडक्शन मार्केट में ला रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल ऐड करते हैं तो वो सब खर्चे ऐड के अलाउड है। उसके बाद क्या लिखा है, होल अमाउंट ऑफ गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट विल बी अलाउड। कई लोग जैसे अपने कस्टमर वगैरह को देते ना कुछ कि भाई आपने अपने किसी कस्टमर को टीवी दिया गिफ्ट में, कोई फ्रिज बड़ी बड़ी कंपनियां देते ना, कोई फ्रिज दिए, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कोई बाइक, इस टाइप के गुड्स के रूप में, तो वो भी अलाउड है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो वही बिजनेस के काम से कहीं जाते हैं तो ट्रेवलिंग के खर्चे अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑफ गेस्ट हाउस एंड हॉलीडे होम्स, अब ये कंपनियों में होते हैं ज्यादातर, कई कंपनियां अपने गेस्ट हाउस वगैरह बना के रखते हैं ना, हॉलीडे होम्स वगैरह, एम्प्लॉयज वगैरह जाते हैं करते हैं घूमने फिरने तो रुकते हैं अपनी कंपनी के हॉलीडे होम्स में, तो ये सब के खर्चे अलाउड होते हैं बिजनेस में। एक्सपेंसेस ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, देखो बिजनेस में इनकम टैक्स का खर्चा अलाउड नहीं है लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के खर्चे अलाउड है, जैसे सीए वगैरह को कुछ फीस पे किए, रिटर्न वगैरह फाइल करने का कुछ खर्चा पे किए तो वो सब अलाउड है। इनकम टैक्स अलाउड नहीं है लेकिन इनकम टैक्स का प्रोसीडिंग का खर्चा अलाउड है। एक्सपेंसेस इनकर्ड, सर इसका कुछ लिमिट होगा या फिर मतलब मनचाहा खर्चा डाल, लिमिट इसमें कुछ लिमिट वगैरह नहीं दिया है। अब जो भी पे करोगे तो उसका रिसीप्ट तो देगा ना सीए आपको, अब सीए को जो भी पे करोगे तो उसका प्रूफ तो देगा ना वो, तो बाकी ऐसा लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं देगा तो वो तो लिख देगा सर 10 लाख, तो 10 लाख हो जाएगा, तो 10 लाख का वो अपनी इनकम भी तो दिखाएगा ना सीए, जिसको दिया वो भी तो इनकम दिखाएगा तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा ना, इधर से गया तो उधर तो टैक्स उसको तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देगी गवर्नमेंट कि भाई चलो तुम्हारे लिए खर्चा वाले कि जिसको मिला है उसको तो इनकम हुई ना, वो तो पे करेगा ना टैक्स। हाँ सर, इनकम टैक्स मतलब प्रॉफिट में से नहीं घटाएंगे, ये तो खर्चा अलाउड लिखा हुआ है ना, प्रोसीडिंग के खर्चे, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग है, ये सब अलाउड खर्चे ही तो पढ़ रहे हैं अपन, डिसअलाउड थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो प्रोसीडिंग है मतलब अकाउंटेंट का सीए का, इनकम टैक्स की मैं बता रहा हूं सर, इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, वो सब अपन अभी आगे पढ़ेंगे, वो सब डिसअलाउड खर्चे हां अलाउड नहीं होते हैं, वो अभी पढ़ेंगे भी अपन डिसअलाउड में। इसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोहिबिटिंग नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड और अदर सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, यदि गवर्नमेंट किसी बिजनेस का नेशनलाइजेशन करने जा रही है, उसका राष्ट्रीयकरण कर रही है, उसको रुकवाने के लिए यदि कोई खर्चा कर रहा है बिजनेसमैन तो वो खर्चे भी अलाउड है, ठीक है ना, प्रोहिबिटिंग नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड और अदर सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। लॉस ऑन थेफ्ट ऑफ कैश बाई एम्प्लॉई,